जय बिहारी जी की श्री अरदास। काफी भक्तों के मैसेज थे कि ठाकुर जी को इत्र सेवा कैसे करनी है उनको घर में, आपको जैसे कि लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिहारी जी की सेवा, इत्र सेवा कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपने हाथ में जो भी पहना हुआ है ये सब कुछ आप उतार के रखेंगे, क्योंकि ठाकुर जी की जब भी आप इत्र मालिश करेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना घड़ी, ना कोई कड़ा और ना ही कोई अंगूठी, ताकि ठाकुर जी के लगे नहीं। उसके बाद सबसे पहले, क्योंकि हम दिल्ली पर कर रहे हैं, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पर भाव जो है दिल्ली का वो ऐसे ही है जैसे आप बिहारी जी की इत्र मालिश कर रहे हैं। तो इत्र का जो पहले सीजन का जो इत्र होता है, आप देख सकते हैं जो सीजन का इत्र होता है वो लेना चाहिए, जैसे इस टाइम खस है, केवड़ा है, गुलाब है, ये इत्र आपको लेने हैं, रूह खस है। और बड़े ही प्यार से ठाकुर जी की सेवा आपको मालिश करनी है। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जितना लाड़ आप बिहारी जी को या घर में लड्डू गोपाल जी को मालिश के वक्त लगा सकते हैं ना, लड़ा सकते हैं, वो कभी नहीं लड़ा सकते, क्योंकि वो भी फ्री होते हैं एकदम आराम से और आप भी उस टाइम पूरे मग्न होते हैं उनकी मालिश में। तो आपके दिल में मन में जो भी भाव हो आप उनको बोलिए। अभी भक्तों के सवाल था ये, तो इसलिए मैंने बताना चाहता हूँ आपको ये कैसे सेवा करनी है। और इसी के साथ आगे दर्शन भी कराएंगे। तो सबसे पहले आपको इत्र जो अपनी उंगलियों से चलाना है और हथेली को बड़े ही प्यार से ऐसे लगाना है जैसे आप छोटे से बच्चे की मालिश कर रहे हो, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है।